एवरीवन वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई सुबह का थोड़ा सा नजारा दिखाया क्या मिनरल हिला डाला ना कितना था अर्थक्वेक का 6.7 था इतना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। तो एक बहुत ही फनी स्टोरी है तुम्हें बता दो बने रहना। अर्थक्वेक से रिलेटेड आईटी से रिलेटेड एकदम लेजिट स्टोरी है। हमें पता था कि अर्थक्वेक आएगा। अब तुम थोड़ा गेस करो। हम लोग नाश्ता वास्ता करते हम आ गए मेस। चंद दिनों बचे यहाँ पे खाने का। चलो पहले खाते तुम लोग गेस करो क्या स्टोरी हो सकती है। तो अब ऐसा टाइम आ गया कि सब धीरे धीरे घर जा रहे हैं और मतलब विदाई का समय आ गया। शर्मा जी जा रहे हैं उनको छोड़ते हैं कैब में बिठाते हैं फिर धीरे धीरे सब चले जाएंगे। इट्स ओवर नाउ। बस हो गया तुम तो चलो यार मेरे साथ चलो तुम। हाँ चलो ना वापस पैदल। विदाई विदाई का सीन हो गया। ब्लॉग एडिट किया हूँ मतलब डेली का क्या होता है ना कि 10 से 12 या 2 के बीच के अराउंड में ब्लॉग एडिट करते रहता हूँ। 2 घंटा जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने एक स्पेशल जगह वो तो मैं दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो हम आए हैं देखो कहाँ। दिस इज़ द फूड कोर्ट ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पे वी आर हियर टू ईट बिरयानी और समथिंग लाइक दैट। गिराना मत बस नहीं तो ब्लूपर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फूड कोर्ट में हैं और हम खा रहे बिरयानी। तो बिरयानी यहाँ का और दिहिंग का बहुत ज़्यादा फेमस है। दिहिंग का ऑफिशियल प्रमोशन ये करता है तो ये पूरे सेमेस्टर हमें आके बोलता था दिहिंग का बिरयानी खाने चले गया। तो टाटा से पहली मेमोरी मुझे बिरयानी की याद आती है। एनीवे अभी हम खाएंगे बस बिरयानी लेके चलते हैं कहीं और। खुशियाँ चूम यारों जरा मर जाऊँ या जी जरा। तो खाना वाना खा के निकले हैं। अभी मेरा एक वीडियो बनाने का प्लान है स्मितिन के साथ तो उससे मिलूंगा। वो दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे वो कभी और पोस्ट करेंगे पर शूट आज करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो बनाने का प्लान है। उसके बाद रात में खाना बनाने का प्लान है। देखते क्या क्या एग्जीक्यूट हो पाता। तो वी हैव स्मितिन विद अस। हाय स्मितिन। हाय। सो मैंने अभी उसको क्वेश्चनेयर भेजा है जिसके बारे में हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इज रीडिंग दैट एंड देन हम वो वीडियो शूट करेंगे। विल अपलोड दैट इन मे। ओके या सो इट इज। बात ऐसा है कि मैं बहुत सारे प्लान्स लेके चल रहा हूँ तो दिक्कत नहीं है। तो मैं जेई से रिलेटेड आईट से रिलेटेड और डेली लाइफ ब्लॉग सब आते रहेंगे तो कुछ बंद नहीं होगा। Hello everyone, this is Smitin and I'm pursuing M.Tech in Bioscience and Bioengineering from IIT Guwahati. For example, initially जब हम लोगों ने join किया था we used to be like classes होते थे, we used to run for classes and lecture attend करते थे and then evening time we used to be free, we used to like visit different beautiful places of our campus, जिसको जो extra curricular में interest है like for example I'm interested in dance so I used to go to dance room. Other people used to like hang out with their friends, so it was like chill. तो अभी हम shoot करके वापस आए हैं. Thanks Smitin for your time. Thank you so much. Do you want to say something to my people? Naren is amazing and yeah, and like you guys are really like मतलब fortunate that you are like we are watching Naren every day. To you get so much of positivity from him and I love Naren. I love everyone. Thank you lot. Thanks a lot. And yeah, we'll see you again. Bye. Bye. चलो दैट वॉज स्मितिन हैड अ रियली गुड टाइम। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मैं उधर न्यूसैक गया और वहाँ पे ये लोग थे बैठे हुए। मैं इनको निकाल के आया हूँ खेल रहे हैं। ये गेम किसने खेला है? क्या गेम है? क्या गेम है? ऐसे नहीं खेलते। चीटिंग है। मैंने 3 लोग हरा चुका हूँ। हम लोग फिर से 4-1 कॉफी पीने आए। कल आप नहीं मिले इसलिए आज मिले। ये भाई से मिले हो पिछले व्लॉग में। कलम नहीं था ना? कलम नहीं थे भाई। इवेंट में किया था। टीवी के बंदे बड़ा इधर उधर काम करते रहते हैं। बहुत सामान लेने गया था। बहुत बिजी मैन है हम। ऑब्वियसली मतलब अगर कैंपस कभी आप आते हो तो ये जगह तो आना मस्ट है। यहाँ पे पराठा खाओ, यहाँ पे कॉफी पियो, कोल्ड कॉफी पियो, बेस्ट इन द कैंपस। चलो यार थैंक यू इतना सामान लेने के लिए। बाकी
ऑलमोस्ट रैपिंग अप नागपुर. अब सब लोग आ गए, भैया बाहर गए हुए थे घूमने फिरने. तो यहाँ पे जो फीलिंग है वो हमेशा रहेगी, जो यादें हैं वो ताज़ा रहेगी. और आप लोग जो ख्याल रखें हम लोग का, मतलब आपके सामने ही बड़ा हूँ है ना, आया है गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, बच्चा सब कोई आता है और यहाँ सामने सब ग्रेजुएट होके जाते हैं. तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा एज ए मेमोरी हमारे पास सेव रहेगा हमेशा. यूट्यूब पर कभी भी देख सकते हैं. इसलिए ध्यान रखिएगा, हम लोग का प्यार हमेशा रहेगा. कभी शुरुआत होने से बहुत मिस करेंगे. मैं 4 साल खाया, हम लोग को इतना प्यार दिया और आप लोग आते थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. कितना मतलब मिठाई लेके भाग जाओ हड़बड़ में, बाद में लेंगे भैया. आलू पराठा पनीर पराठा याद आएगा, आलू पराठा पनीर. मतलब हमेशा मैं वहाँ ब्रेकफास्ट मिस करके ऊपर क्लासेस जल्दी थी, यहाँ पे आके भैया जल्दी से पराठा खिला दो, पराठा लेके क्लास में पीछे छुप के खाओ. बहुत अच्छा लगता, मतलब इतना भीड़ रहता है कोर वन में, तो आप लोग आते थे इसलिए थैंक यू. आप लोग को बहुत मिस करेंगे. और आप लोग 4 साल टेक किया, कभी गुवाहाटी आने से हमारा स्टॉल में आइए. अपने बड़े भैया लोग हैं तो ध्यान देते हैं, घर पे तो मम्मी पापा हैं, कुछ भी दिक्कत है वहाँ जाओ, यहाँ आप ही लोग हो ना. हम लोग थोड़े फैमिली यहाँ पे, खाने पीने का जो खिला पिला रहा है उससे बढ़ के क्या है यहाँ पे. थैंक यू. ये हमें पेपर बोर्ड भैया फ्री में पिला रहे हैं, याद रहेगा भैया. भाई ये असली कमाई है, ये हमारा पैकेज लग गया भैया. थैंक यू. ये पैकेज है, ये बहुत अच्छा लगा. दिस इज अर्निंग यार, दिस इज अर्निंग, वी अर्न्ड इट. चीयर्स 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 चीयर्स. ये तो इमोशनल हो गया. मिलेंगे यहाँ आएंगे, गुवाहाटी आएंगे तो कॉलेज तो आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कॉलेज में कहाँ गए. थैंक यू भैया. ये जगह भाई, और हम जस्ट कोर वन से निकले हैं और वेदर इतना प्यारा हो गया, बारिश होने लगी है और बादल तो एकदम मस्त ब्लू हो रखे हैं. वो कैंपस एक्सप्लोर कर रहे, वो देखो योगेश आ रहा है. योगेश से हाय. और यहाँ पे मस्त बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा सा माहौल है. इससे अच्छा ऐसा गुड बाय क्या ही बोलूँ, मतलब इमोशनल करता है. बट हाँ, ऐसा प्यारा और क्या हो सकता था, इतना अच्छा वेदर देखते हुए जा रहे हैं. रियली थैंकफुल. अभी हम लोग हैं एकेडमिक कॉम्प्लेक्स के बाहर, इतना प्यारा वेदर, इतना सुहाना सब कुछ है, बहुत प्यारा सा लग रहा है. बारिश हो रही है हल्की हल्की, ठंडी हवा चल रही है, मिट्टी की खुशबू, और ये कुछ आखिरी पल काफ़ी यादगार, काफ़ी बिजली कड़क रही है, क्या नहीं हो रहा. ढूंढ ले तू फिर मुझे, कसमें भी दूं तो क्या तुझे, आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की, मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी. वो खुद से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी. थैंक यू. वी आर बैक टू हॉस्टल. तुम्हें पता चल गया क्या वाइब है, तुमने मज़े तो ले लिए गाने के. देखते हैं उधर से हम लोग निकले, काफ़ी प्यारा दिन था. अभी हॉस्टल में है, रात लंबी है, आज मौसम भी बहुत प्यारा, आज बहुत चीज़ होने वाली है, आज बहुत चीज़ें होने वाली है. ये व्लॉग को मैं पार्ट बाय पार्ट डालूंगा, मतलब सब कुछ नहीं डाल दूंगा, कुछ ऐसे कंटिन्यूड के लिए रखूंगा, दिखाते रहूँगा. चलिए मज़े कीजिए.